अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने लेसन नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज स्टार्ट किया था, और उसका ऑलमोस्ट हम लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 3rd लास्ट पढ़ेंगे। और वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में राइटर्स ने हमें क्या बताया था, बॉयज़ की फेलियर्स की काजेज़, वजूहात, वो किन वजह से, किन वजूहात की वजह से वो कॉलेज में फ़ेल होते हैं। उनमें से चंद ये थी कि वो अपनी स्टडी पर तवज्जो नहीं दे सकते, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट रखते हैं, पढ़ने बैठते हैं लेकिन कुछ और एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। फर्दर उसमें यह था कि जो सम स्टूडेंट्स हैं उनको पेरेंट्स ने फोर्स करके किसी और फील्ड में उनको फोर्सफुली भेज देते हैं, जिस वजह से वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। फिर हम लोगों ने एक रीज़न पढ़ी, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और आज हम लोग आगे मज़ीद फर्दर कुछ रीज़न्स पढ़ेंगे बॉयज़ के कॉलेज में फ़ेल होने की। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट शुरू की थी हेल्थ वाली, तो पिछले लेक्चर में उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट रह चुका था, आज हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ही असर्टेड दैट He asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. वो वसोक से, यानी कि पूरे सबूत से कहता है, दैट गॉड पुट दोज टॉन्सल्स इन हिज सन्स थ्रॉट, कि खुदा ने उसके गले में, उसके बेटे के गले में ये जो टॉन्सल्स, ये जो गदूदे रखी हैं, फॉर सम गुड पर्पज़, किसी अच्छे मकसद के लिए है। एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर दिस देयर रिमूवल। स्टैंड फॉर होता है इजाज़त देना, और जिसकी वजह से फिर वो इजाज़त नहीं देता देयर रिमूवल, उनको हटाने की। सिंस द बॉय वॉज अब्जॉर्बिंग, और लड़का जो है वो जज़ब करता है टू मच पॉइजन, बहुत ज़्यादा जहर, टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, ही हैड टू आस्क हिम टू गो होम। बहुत ज़्यादा जहर जो है वो अपने से जज़ब कर रखा होता है, और वो क्या करता है, प्रॉपर मुनासिब एप्लीकेशन तवज्जो काम पर नहीं दे पाता टू हिज कॉलेज वर्क, अपने कॉलेज के काम पर। वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, तो हमें उसे कहना पड़ा कि वो घर जाए। ऑफकोर्स सच केसेज आर रेयर, बिलाशुबा इस तरह के जो मामलात हैं वो कुछ हैं, शाज़ो नज़र हैं, नायाब हैं, बट इट इज़ नेसेसरी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, टू कीप कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर, ये टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड, मुस्तकिल तौर पर जहन में ये रखना, द सिंपल फैक्ट, एक सादा हकीकत, दैट देर इज़ नो सब्सटीट्यूट, यहाँ कोई भी मुतबादल नहीं है फॉर हेल्थ, सेहत का, बट दैट हाउएवर सच अ मैन मे नाउ एंड दैट हाउ एवर सच ए मैन मे नाउ, लेकिन एक इंसान कितना ही क्यों ना जानता हो, इट इज़ नॉट फॉर मच वैल्यू अनलेस की पोजेस द फिज़िकल विगोरियस होता है ताकत, जोश, टू ब्रिंग इट टू बियर, उसे इस्तेमाल करना, ब्रिंग इट टू बियर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि एक इंसान किसी के बारे में, किस चीज़ के बारे में कितना ही क्यों ना जानता हो, तो उसकी इतनी अहमियत नहीं है जब तक वो अपनी जिस्मानी ताकत ना रखता हो और दुनिया के मिसाइल के को इस्तेमाल के हाल के लिए इस्तेमाल ना करे। यानी कि एक आदमी कितना ही क्यों ना जानता हो और उसके पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर उसकी जिस्मानी सेहत ठीक नहीं है और वो उसको दुनियावी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल ना करे, तो पैराग्राफ नेक्स्ट, जहाँ से अब आगे एक और वजह स्टार्ट होगी। नाउअडेज व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज़ want to go to college, जब वो most ambitious ख्वाहिशमंद जो लड़के हैं want to go to college जाना चाहते हैं, the financial pressure, कुछ जो माली दबाव है, is a very serious one, ये एक बहुत संगीन मसला है। A few parents take this position that the boy should earn his way through college for the good of his soul, जो कुछ जो वालदैन हैं वो द पोजिशन, उनका ये ख्याल होता है, जो मौक़ होता है, दैट द बॉय शुड अर्न हिज़ वे, लड़का अपनी, लड़का जो है वो खुद कमाए वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, अपनी रूह की भलाई के लिए खुद कमाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन हकीकत ये है, नो बॉय आउट टू बी कम्पलीटली टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज इफ़ इट कैन इन एनी वे टू अवॉइड इट। हकीकत ये है कि किसी भी लड़के को कॉलेज में तलीम हासिल करने के दौरान अपने पूरे अखराजात कमा कर पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। Not only does he get a mighty poor living by the process, but a mighty poor education as well. इस अमल से ना सिर्फ वो इंतहाई नाकस रोज़ी मिलेगी उसको, बल्कि तालीम भी इंतहाई नाकस मिलेगी।
इफ़ द बॉय आउट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर किसी लड़के ने कॉलेज जाना ही है, ही ought to be trusted, उस पर भरोसा किया जाना चाहिए, to make good use of reasonable contribution from his parent toward his expenses. तो वो अपने अखराजात के लिए वालदेन की तरफ से दी जाने वाली माकूल अमदाद से फ़ायदा उठाएगा. एनी पेरेंट्स ओज, हर पेरेंट्स पर ओज वाजिब है, फ़र्ज है, दिस मच टू हिज सन, इतना अपने बेटे के लिए करना. द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स, लड़का अपने वालदेन को नहीं कहता टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, कि वो उसे दुनिया में लाए. देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम हिज बींग हेयर एंड कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम. दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हैं फॉर हिज बींग हेयर, उसके यहाँ होने पर, एंड कॉन्सिक्वेंटली और नतीजतन दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट, उसे एक अच्छा साजो सामान दें, पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, इस पॉसिबल टू मीट मुमकिन हद तक उसे बेहतरीन सामान फराहम करें ताकि वो क्या करें, टू मीट, वो आजमाए या मुकाबला कर सके द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, दुनिया के मसाइल का. आगे है नेक्स्ट पेज एंड स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. न वर्थलेस ताहम मैनी बॉयज आर कास्ट, बहुत से जो लड़के हैं उनको छोड़ दिया जाता है इंटायरली मुकम्मल तौर पर ऑन देर ओन रिसोर्सेज, उनके ज़ाती वसाइल पर, फॉर देर कॉलेज एक्सपेंसेस, उनके कॉलेज के अखराज के लिए. एंड इट इज़ ऑलवेज टू बी द डेटरमेंट ऑफ देयर हेल्थ, जो कि उनकी हमेशा डेटरमेंट, नुकसानदेह है देयर हेल्थ, उनकी सेहत के, और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, और उनकी वैल्यू, कदरों कीमत ऑफ देयर एजुकेशन, उनकी तालीम की, और बोथ दोनों के. एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसिस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, एंड इन माई एक्सपीरियंस कोई भी लड़का अपने अखराजात का एक हिस्सा खुद को नुकसान पहुँचाए बगैर कमा सकता है. And my experience, many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. और मेरे तजर्बे के मुताबिक बहुत से लड़के अपने हिस्से से भी ज़्यादा कमाने के ख्वाहिशमंद होते हैं ताकि वो अपने वालदैन का बर्डन, बोझ को कम कर सके या रोक सके. बट टू सी बॉयज़ बाई द डजन, लेकिन लड़कों को देखा जाता है बड़ी तादाद में टेक जॉब्स, जॉब करते हुए, लास्टिंग फ्राम 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम 6 बजे से टिल 2 इन द मॉर्निंग, सुबह 2 बजे तक, 6 days इन वीक, हफ्ते के 6 दिन. टू सी बॉयज़ अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड, देखा जाता है लड़कों को तकलीफ, अंडर गोइंग तकलीफ में सिसकते हुए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, खून का इंतकाल करते हुए, टू गेट मनी, दौलत को हासिल करने के लिए, फॉर देयर फूड एंड बुक, उनकी किताबों और खुराक के लिए, इज़ आ हार्ट ट्रेंडिंग, ये एक दिल खराश यानी कि दर्दनाक स्पेक्टेकल मंजर है या नज़ारा है. नेक्स्ट, मैनी ऑफ आवर बॉयज़ आर फाइनेस्ट करेक्टर, उम्दा तरीन रुतबा और बेहतर सलाहियत के हामल हमारे लड़के, एंड एक्सीलेंट एबिलिटी और बेहतरीन काबिल सलाहियत के हामिल, आर डूइंग जस्ट देयर काइंड ऑफ थिंग, बहुत से लड़के यही कुछ कर रखे हैं. एंड इनएविटेबली लाजमी तौर पर, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर अपेरेंट फेलियर, अपेरेंट वाजे, ये एक अहम वजह है वाजिया नाकामी की. मोस्ट कॉलेज डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिवेट होता है तखफीफ करना, मुख्तस करना दिस सिचुएशन. ज़्यादातर कॉलेज वज़ाइफ के फंड के ज़रिए इस सूरत हाल को बेहतर करते हैं. बट इवन वैन एवरी थिंग पॉसिबल, लेकिन जब हर चीज़ मुमकिन हो, इज़ डॉन एवरी डीन सरबरा हु नोज ही स्टूडेंट कैन रिकॉल मैनी केसेज ऑफ बॉयज़ हु हैव बीन ओब्लाइज टू ड्रॉप आउट. हर डीन सरबरा जो अपने तलबा को जानता है, कई ऐसे लड़कों के वाक़ात ज़ेहन में ला सकता है जो थोड़ी सी रकम की किल्लत के सबब कॉलेज छोड़ जाने पर मजबूर किया गया. फॉर द लेक ऑफ आ लिटल मनी टू सी देम थ्रो, उनकी मदद करना, क्योंकि और उनको फिर इस किल्लत के सबब छोड़ दिया जाता है, द
और उनकी मदद करना, क्योंकि अगर इन्हें कॉलेज से ना निकाला जाता तो वो बिल्कुल वैसे ही करते रहते। कैसे करते रहते, जो ऊपर दो तीन लाइनों में पढ़ा है कि वो उनको देखते हैं इंतकाले खून करते हुए, वो कहता है कि अगर कुछ थोड़े से पैसों के इवज़ अगर उन्हें कॉलेज से ना निकाला जाता तो वो बिल्कुल वही करते रहते और खून को बेचते रहते। नेक्स्ट पैराग्राफ, देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर, देर आर ऑलवेज अ गोडली होता है अच्छी खासी तादाद, नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट हु हेड्स आर टर्न एंड हुज जजमेंट इज रिवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटी। यहाँ से एक नई जो है वो रीज़न स्टार्ट हुई है कि कुछ बच्चे हैं जो कि अपनी जो को करिकुलर में एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं और फिर इस तरह वो एजुकेशन को भूल जाते हैं, ये भी एक फेलियर की वजह बनती है। देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट हो दूज आर टर्न, बहुत ज़्यादा एक अच्छी तो खासी तादाद अंडर ग्रेजुएट तलबा की हुज हेड्स आर टर्न एंड हुज जजमेंट इज़ प्रिवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटी, जिनका जो सर है वो अकल शौर के बगैर बिगड़ चुके हैं बाय द अट्रैक्टिवनेस और इसकी दिलकशी और सहर ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स वर्जशी खेलें एंड लिटरेरी और अदबी एक्टिविटी सरगर्मियों में। ऑल ऑफ दोज फीचर्स, तमाम जो इस तरह के जो पहलू हैं ऑफ कॉलेज लाइफ कॉलेज की ज़िंदगी के हैव देयर प्लेस, एक अपने मुकाम रखते हैं एंड शुड रिसीव और हासिल करते हैं द स्पोर्ट हमायत को ऑफ दो स्टूडेंट, उन तमाम तालिबे इल्मों की हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, जो कि उसमें दिलचस्पी रखते हैं। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में द अवेकिंग अवेकिंग होता है जगाना बेदार करना ऑफ अ क्लियर एक वाज़े जजमेंट शौर एज टू वट द कॉलेज इज़ फॉर इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इज़ ऑफन सपोज्ड। कॉलेज के मकसद के बारे में वाज़े करना कि बेदारी इतनी मुश्किल नहीं है कि जितनी अक्सर फ़र्ज़ कर दी जाती है। वो कहता है कि मेरे जो समझ सूझ के मुताबिक है कि कॉलेज की जो रीज़न है उसको बताना स्टूडेंट्स तक पहुंचाना वो इतना मुश्किल नहीं है जितना समझ लिया गया है, ताकि उनको बताना चाहिए कि कॉलेज बनाने की जो थी ना वो वजह क्या थी, ये क्यों बनाया गया, ताकि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस कर सके। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज़, अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा साइड शोज़ यानी कि खेल तमाशे में दिलचस्पी लेना चाहता है, ही ओट टू गेट आउट ऑफ देम ऑफ द मेन टेंट एंड बिकम प्रोफेशनल, तो उसे चाहिए कि उसे मेन टेंट यानी कि असल मकसद की तरफ लाया जाए एंड बिकम प्रोफेशनल प्रोफेशनल यानी कि पेशावर खिलाड़ी बनाया जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ऐसा नहीं करते, एंड इफ़ रिजल्ट और उनको समझाया जाए विद बाय अ फ्रेंड किसी दोस्त के ज़रिए उनको कोई समझाया जाए, हु नोज़ यूथ जो कि जानते हैं यूथ जो नौजवान नस्ल को एंड अंडरस्टैंड और समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी और जो कि समझते हैं कॉलेज की जो कॉलेज के मौके हैं उसकी अहमियत को, दे विल नॉट अलाउ देम सेल्फ टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलीट्स, जो कि कॉलेज की अपॉर्चुनिटी को समझते हैं वो खुद को मुतासर नहीं करते किसी भी एथलीट्स यानी कि किसी भी खिलाड़ी से। आई डोंट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अ सीरियस, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की चीज़ नाकामी की इतनी संजीदा वजह है इज़ एज सीरियस अ रीज़न, इतनी संजीदा वजह है फॉर फेलियर नाकामी की एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स, जिस तरह कुछ नकात कहते हैं ऑफ आवर कॉलेज हमारे कॉलेज के हु सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड अ लॉन्ग रेंज, जो चीज़ों को ऊपरी तौर पर यानी कि बज़ाहिर देखते हैं और बहुत दूर से फासले से देखते हैं। वो कहता है कि मैं बहुत से हमारे कॉलेजेस के वो चंद निकात समझते हैं कि जो चीज़ों को बाहर वाली से यानी कि अपर सरफेस से देखते हैं और बहुत फासले से देखते हैं, उनको जो उसकी इनर चीज़ है उसके बारे में या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में इतना पता नहीं होता या इतना वो नहीं जानते होते। द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, अ लेज़ी बफलर्स होता है मुँह फट बेभाग, ड्रिफ्ट होता है भटकना फिरना इन टू कॉलेज, वो एक कुछ जो होते हैं नकाहिल बफलर्स जो हैं
वो खाक छानते हैं इन टू कॉलेज, कॉलेज में एंड यूजली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और ऐसा करते ही वो कॉलेज से निकल भी जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, और उनमें से ज़्यादातर इस जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, एंड सम ऑफ देम नेवर विल, एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और ना ही कभी रखेंगे। इट इज़ यूजली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड ऑफ फॉर अ रीज़न। अमूमन ये दानिशमंदी होगी कि इन्हें होशमंदी सीखने के लिए टू फाइंड आउट बाई एक्सपीरियंस, टू फाइंड आउट वो जान पाए बाई एक्सपीरियंस तजर्बे से हाउ मच डिमांड देर इज़ फॉर अ लेज़ी बफलर, कि किस तरह उसकी डिमांड चाहे या मांग है देर इज़ फॉर अ लेज़ी बफलर, कितनी क्यों इस किसी भी एक लेज़ी बफलर या किसी भी एक नाअहल नकाहल की। Sometimes they learn their lesson and return to do first rate of work. बाज़ औक़ात वो सबक सीख लेते हैं और बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाने लौट आते हैं, but the burden of proof, लेकिन इसको इस सबूत को फ्राहम करने की जिम्मेदारी is always on them to show that they mean business. मगर ये दिखाने के लिए वो वाकई काम करना चाहते हैं, सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी हमेशा उन पर आयद होती है। द लास्ट पैराग्राफ, ऑन द होल द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस कॉल्स फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी, डायग्नोस्टिक यानी कि तशखीसी सलाहियत एज द फिजिशियन। जो कॉलेज का डीन है यानी कि सरबराह है, जिस मसले का सामना करता है वो डॉक्टर जैसी किसी एक डायग्नोस्टिक एबिलिटी तशखीसी सलाहियत का तकाजा है। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडली एंड सी इट होल। वो अपने मातहत नौजवानों की मदद कर रहा है कि वो जिंदगी को मजबूती तौर पर और मुस्तकिल स्टेडली मुस्तकिल तौर पर एंड सी इट होल और मजबूती तौर पर देखें। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्राम फेलियर, अगर वो लड़कों को बचा लेता है नाकामी से थ्रू फुलिशनेस उनकी हमाकत से सिकनेस बीमारी से एंड सीन खता से, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट फॉर द जॉब, तो वो अपने हिस्से का फ़र्ज सारा अंजाम दे रहा है। यानी कि अगर वो लड़कों को किसी भी नाकामी की वजह से रोक लेता है उनकी हमाकत उनकी बीमारी या उनकी खता या किसी भी वजह से, तो अगर वो किसी एक को रोक लेता है तो इसका मतलब है वो अपने हिस्से का काम कर चुका है। यहाँ पे हमारा जो है लेसन नंबर 3 उसका टेक्स्ट ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने 1 by 1 एटलीस्ट 6 or 7 रीजन्स पढ़ी बॉयज़ के कॉलेज फेलियर्स की, और आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।